एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक बुढ़नपुर सिहारा में स्थित सदरानपुर गांव पड़ा। लगभग 2600 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 17 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान संजीव कुमार हैं। लगभग 1350 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 15 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 100 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खडंजे, सीसीटाइज रोड, पंचायत घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। और जो भी ग्राम सदारनपुर को केंद्र सरकार राज्य सरकार ने पैसा दिया है उसका मैंने सदुपयोग किया है और आगे केंद्र सरकार राज्य सरकार से मेरी मांग है, हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। जैसे क्या हमारे यहाँ हैडपम्प कम है और आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, ग्राम पंचायत की व्यवस्था बढ़िया नहीं है और मैं सरकार से आशा करता हूँ। ये हमारा कम से कम मानदेय 15,000 किया जाए, 3,500 रुपये मानदेय में हमारा ब्लॉक काफ़ी दूरी पर है, आने जाने का खर्च भी पूरा नहीं होता। हमारे ब्लॉक की दूरी कम से कम हमारी ग्राम पंचायत सदारनपुर से 17-20 किलोमीटर दूर है, वहाँ हमें ब्लॉक में आना जाना पड़ता है, मीटिंग है उनमें जाना पड़ता है, उनसे हम उस मानदेय से हम लोगों की किराए की पूर्ति भी नहीं हो पाती। इसलिए हम मेरा सरकार से बार बार अनुरोध है कि हम प्रधानों का मानदेय बढ़ाया जाए। मैं यहीं अपने बारे को समाप्त करता हूँ। क्या नाम है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और हमारे गांव के जो संजीव कुमार प्रधान जी हैं उन्होंने मतलब कहने का जो पैसा गांव के लिए विकास के लिए आया था उन्होंने उसका बहुत अच्छा मतलब कहने का उसका प्रयोग किया है, मतलब गांव में विकास किया है उसके ज़रिए से। और जो मतलब कहने का यह है कि जो और भी काम विकास के रह रहे हैं उसके लिए सरकार जो है अधिक से अधिक धन इनको प्राप्त करावे।